दोस्तों देखिए, हजरत भाई जो है फिर से आज गाड़ी धो रहा है और इसके पास मैं आप लोगों को मिलाने के लिए आया हूँ। और ये हजरत भाई का चैनल है, तो ये भाई से मैं आपको जो है आप लोग जो जानकारी जानना चाहते हैं ये भाई बताएंगे। तो ये इसमें क्या क्या डाले हैं बाल्टीन में? ये फेरी है, मतलब सर सैंपल का पानी है, सर सैंपल जो डालते हैं वो है। और शैम्पू का पैसा कौन देता है? मालिक भी देता है, अपने खुद लगाता हूँ मैं। मालिक से क्या मैंने 2 रुपये के लिए क्या मांगा? मैं तो मांगता हूँ, मैं तो भाई अपने आता। यानी कि आप अमीर है? यानी कि अमीर नहीं है भैया, मतलब क्या है, हफ्ते में एक दिन धोना रहता है, महीने में 1-2 बार धोना पड़ता है। ऐसा तो फेरी मतलब मालिक भी देता है पैसा? हाँ, मालिक देता है। अभी मान लो। और कैसे धोते हैं बताइए? चलिए चलिए दोस्त लोगों को बताइए कैसे चक्का धोते हैं। मैं सामान देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक कार है। कौन सा गाड़ी है? ये देखिए, दिखाइए कहीं। ये देखिए दोस्तों, लैंड क्रूजर गाड़ी है और ये देख सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक कार है पूरा, ठीक है। और ये भाई अपना जो है लगे हुए हैं। ये मतलब हफ्ते में धोते हैं कि डेली धोते हो? हफ्ते में, 2 महीने के बाद धोया हूँ गाड़ी को। दो महीने के बाद धोते हैं? उस दिन बनाया था तो GMC धोया था, देखे थे नहीं? हाँ जी। आज ये देखिए देखिए लेक्सर धो रहा हूँ। अच्छा, तो ये सब ऐसे धोते हैं? इंडिया में ऐसे धोते थे कभी? मैं इंडिया में भी ट्रक धोया हूँ भाई। हाँ, अपनी रोजी रोटी, अपनी रोजी, जैसे हम साफ रहते ऐसे ही। इंडिया में 15,000 कमाते थे कि नहीं हो? मैं इंडिया में 20,000 सैलरी कमाता था। 20,000 जैसे यहाँ कमा रहा हूँ, बाकी यहाँ क्या है, थोड़ा मेरा घूमने का शौक था इसीलिए। और मैंने बताया यहाँ का पैसा बच जाता है? यहाँ का पैसा बचा था, वहाँ का पैसा बचा नहीं पाता था। खाने पीने में 15,000 आता था। और आप मतलब गाड़ी यहाँ खाने के, आपका काम यही है गाड़ी धोना और कहीं जाएंगे तो लेके जाना है? मैडम को कपिल का भी ड्यूटी रहता है? मेरा कपिल मत... नहीं, 90% में 10% कभी कल गाड़ी कभी खराब हो गया। कपिल किसको बोलते हैं? बहुत लोग कमेंट करेंगे। मालिक को। अच्छा, मालिक को कपिल बोलते हैं और सदीक बोलते हैं दोस्त को। जी, और ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बात ये बताइए कि मैडम लोग जब बैठता है, जैसे गाड़ी में बैठा तो पीछे से आपको क्या बोलते रहते हैं? वो बोलेंगे, अगर नए हो तो बोलेंगे, तुम्हारा नाम हो तो नाम बोलेंगे। जैसे मेरा नाम है अली, तो मेरे को अली भी बोलते हैं लोग, मोहम्मद भी बोलते हैं, मतलब मोहम्मद मेरा नाम है, मोहम्मद हजरत अली है ना। हाँ जी, तो अली भी मेरे बोलते हैं, मोहम्मद भी बोलते हैं। हाँ जी, तो मोहम्मद का मतलब मोहम्मद एसआर चलो, यमीन चलो, तो लेफ्ट राइट भी बोलेंगे। हाँ जी, जैसे तुम्हारा नाम है तो ये लोग लास्ट का नाम पुकारते हैं, जैसे अली या शुरू का। जैसे लास्ट में अली, जैसे मेरा मोहम्मद, जैसे मेरा है तो क्या बोलता है मेरे को? मुकेश नहीं बोलता है, कुमार। हाँ, कुमार लास्ट में कुमार है ना, पूरा नाम नहीं मैं हूँ यादव। हाँ, लेकिन यही है। तो दोस्तों देखिए, जो है इस तरह के जो है आपको, जैसे इंडिया में करते हैं स्कॉर्पियो साफ, उसी तरह करना है। गाड़ी साफ रखेंगे, मालिक खुश रहेगा तो आपको सैलरी चाहे 2 पैसा चाहे फाइन भी आएगा तो एक माफ। अभी सुना हूँ कि कंपनी में आएंगे तो अच्छा रहेंगे, घर के घर वाला में नहीं आना चाहिए, सही बात है? कंपनी में क्या है, उसमें ना काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा कटता है, इसमें फिक्स है। उसमें 10 घर जाएंगे, 10 तरह के मिलेंगे, ये फिक्स। और मान लीजिए बीमार पड़ गए, कुछ हो गए, तो उसका कौन यहाँ देता है खर्चा वर्चा का? हाँ, पैसा देता है, इनको कार्ड मिलता है। अच्छा, कार्ड कितना, हेल्थ कार्ड बना के देते हैं, कितना लोग सरकारी हॉस्पिटल भेजते हैं, भेज देते हैं, खुद जाता हूँ। अच्छा, मतलब दवा ववा कुछ जरूरी पड़ गया तो दिलाते। और जैसे कि हम मान लीजिए हम घर पे से आए हैं और हम 1,00,000 रुपये लगा के हैं, थोड़ा कर्जा बढ़ जाए, अगर मालिक अच्छा रहा तो क्या हमको हेल्प कर सकता है, पैसा देगा? देखिए, हेल्प कैसे करेगा आपको हम बतलाए हैं। हाँ जी, मालिक को दिल में बसना, मतलब कहीं अपनी पैकेट, मतलब हमारी कहने का मतलब है विश्वास बनाना। हाँ जी, अभी मैं गाड़ी धो दिया, चला चक मेरा आया, खुश हो गया जी, 10 रुपये भी दे सकता है। हाँ हाँ, देता है, बहुत लोगों को देता है। थैंक यू बोलता, मैं क्यों काम करता हूँ? हाँ हाँ, आप धो रहे हैं तो देता ही होगा, जाइए जरूर देता हूँ। मैं अपनी रियल बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, देखें यहाँ आप कमाने आए हैं। हाँ जी, यहाँ काम अपना, ये जॉब है। हाँ, जैसे जो पढ़े लिखे हैं ऑफिस में बैठे हैं बड़े बड़े, तो मतलब कि मिला जुला के देता है ऊपर का, कोई कोई देता है कोई नहीं देता, मतलब अच्छा घर हुआ तो 90%। और मान लीजिए कि हमको 2 साल हो गया यहाँ से जाना है, तो 2 साल हो गया हमको यहाँ से जाना है, तो हमको पैसा देगा क्या? पैसा क्या देगा, जैसे अभी मान लो कि आपको घर जाना है तो टिकट दोनों आने जाने के दोनों निकाल के देगा, दोनों निकाल के देगा, छुट्टी देता है इतना दिन में जाओ। खुद मेरे को हुआ, बोल मेरे से पूछा, मेरा कपिल मैं काम करता हूँ, पूछा कि तू आएगा कि नहीं आएगा, मेरे सामने से पूछा। हाँ जी, मालिक नहीं पूछता किसी को, काम की पैकेट होना चाहिए, मतलब काम करके दोगे तो कोई भी पूछेगा, नहीं तो इसको ड्राइवर नहीं मिलेगा। और मान लो चले गए और नहीं आए तो कितना साल नहीं आ सकते हैं? कम से कम अभी तो 3 साल हो गए, पहले 5 साल था। नहीं, 2 साल तो यहाँ खट के जाएंगे और 3 साल वहाँ गुजारना है, टोटल 5 साल है। वही बोल रहे हैं, तो देखिए अगर खरोच गए तो आज गए कल आ जाएंगे बीजेपी, अगर छुट्टी पे गया नहीं आए तो मालिक अगर एथी मार दिया
तो 5 साल तक नहीं आ सकते, 5 साल नहीं आपके स्टाम्प हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। अब सुने हैं कि कंपनी में जो है जो लोग कंपनी में आना चाहते हैं तो लोगों को अच्छा हो गया ये कि अभी मतलब अगर आपको जो मालिक के पास जो कंपनी में अच्छा नहीं लग रहा है 4 महीने के बाद अभी 2 महीना और बचा है ना, बोल रहे हैं तो दूसरे जगह भी वो जा सकता है ना, अप्रैल से होने वाला है ना 4 महीने से, मतलब कि कंपनी में दूसरे जगह भी जा सकता है ना काम करने। इसमें भी है बाकी इसमें 90% खरा, इसमें भी अगर अच्छा नहीं है तो दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके नहीं देते हैं, ये अपना वीजा मंगा के इतना पैसा खर्चा करके दूसरे जगह नहीं जाने देंगे दूसरे घर में। जैसे आप घर देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसे इसका मालिक का हुआ घर, फिर देखिए आगे उसका मालिक का घर, फिर वो आगे, तो इस तरीके से जो है घर होता है और इस आजू बाजू में जो है गाड़ी होता है, ऐसे लगा होता है जैसे वो ड्राइवर का रूम है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं इस तरीके का घर होता है, जैसे ड्राइवर है तो ये सब झाड़ू में पानी उनी डालना ये सब होता है, और ये गाड़ी उड़ी जो है साफ उफ करना कार है वही सब होता है ना। हाँ, और गाड़ी कहीं बोला तो मैडम का ड्यूटी होगा, वो आपको चलाना और जाना आना। और हमको दोस्त एक बात आप बताइए, जब एयरपोर्ट पे आप आए थे कौन सा, कहाँ से आए थे, बम्बई से कि कहाँ से, दिल्ली से? मैं आया था दिल्ली से, गया था पहले दुबई, दुबई से यहाँ आया, दो फ्लाइट था। अच्छा, आपका स्टॉप था वन स्टॉपेज, मेरा थोड़ा पासपोर्ट वो था ना सब काम मेरा दुबई से था, तो आप दुबई गए हैं, दुबई से यहाँ आए हैं और इंडिया का सिम लेके आए हैं यहाँ पे? हाँ, इंडिया का सिम है, चल रहा है, चल रहा है ना, पैसा ज़्यादा लगता है, रोमिंग चार्ज मतलब। लेकिन मेरा भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई जो है एयरटेल का सिम चलेगा, बहुत लोग कह रहे हैं वोडा का चलेगा, मेरा जियो का है, मेरा चल रहा है, चलता है, है ना, जियो का सिम मतलब कि चलता है, लेकिन आप जो है कॉलिंग नहीं कर सकते, ओटीपी कोड आ सकता है ना। देखिए रोमिंग मैं खुद चलाया हूँ 2 साल अभी तक मेरे चल रहा है, उसमें रिचार्ज मारना पड़ेगा, उसमें रिचार्ज माना पड़ेगा। अभी चल लीजिए एक रियाल का इंडिया का, यहाँ के एक रियाल का इंडिया का 1800 रुपये हो रहा है, उसी हिसाब से जोड़ लीजिए ना रोमिंग चार्ज कितना लगेगा। अभी देखिए मुझे आके कम से कम 2 साल होने को आ गया है ना, अभी मैं जैसे एक इंडिया कॉल करता हूँ तो देखिए जियो का नंबर से करेंगे तो क्या आवाज़ देगा आपको, देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों आवाज़ सुनाते हैं आपको, क्या बोला, देखिए कट गया, देख लाना, ये देखिए दिखा देते हैं क्या बोलता है, कि बोलता है कि रिचार्ज करो, ये बोलता है। हाँ, रिचार्ज करना ही पड़ेगा। तो आपको मतलब कि अभी टाइम टेबल मिल रहा है तनख्वाह उनका? मेरा सैलरी नहीं, मैं 29 तारीख को सैलरी था, 28 को 29 को आया था, इसलिए देखो मतलब टाइम टेबल दे देता है, सुनता हूँ किसी किसी को नहीं देता है, मारता है, पीटता है, देखो सब का क्या सही बात है, सब कपिल एक जैसा नहीं है, सब आदमी एक जैसा नहीं, देखो मैं मेहनत इतना कर रहा हूँ इसीलिए मेरे को देता है टाइम टेबल, देखो 1 घंटा से गाड़ी खोया हूँ, गाड़ी कैसे चमक रही है, एक तो सही में आप चमका दिए हैं गाड़ी को, ये कितने का गाड़ी होगा हो? जो है गाड़ी के बारे में मेरे को नहीं मालूम, तो भी इधर ना 10 लाख के ना 10 रियाल का, ये 3 करोड़ का गाड़ी है, 10,000 रियाल का आराम से गाड़ी मिल जाएगा, अच्छा अच्छा ये इंडिया में 3 करोड़ का है ये, समझे, तो आपका डेली का ड्यूटी यही है, मतलब ज़्यादा आपका काम उम नहीं है, काम नहीं है मेरे 24 घंटे में ना 2 घंटे काम है, दो घंटा भी नहीं, क्या है मेरे को काम अच्छा लगता है, बैठे में अच्छा नहीं लगता, इसलिए देख रहे हैं 2 घंटों से गाड़ी 1 घंटा। और अगर आप अभी जाएंगे मान लीजिए इंडिया तो आएंगे वापस? हाँ, आने के पैसा कमाना है। हाँ, देखिए लाइफ में ना कुछ सक्सेसफुल होना चाहिए, एक लक होना चाहिए, हमको लक है कि खुद, और जो शादीशुदा है वो उसको आना चाहिए कि कैसा? देखिए सबको, देखिए मजबूरी नहीं होता तो हम बोल रहे हैं सबको शौक है, मजबूरी है तभी हम यहीं आके काम कर रहे हैं, फैमिली छोड़ के, माँ बाप फैमिली छोड़ के इधर आना सबकी बस की नहीं है, बट यहाँ आने के बाद अच्छे आदमी भी यहाँ बन जाते हैं, एक यहाँ लाइफ ऐसा है, अकेलापन हो जाओगे, सीख जाओगे लाइफ जो इंजॉय करने का, कैसे पैसा कमाया जाता है वो सब सीख जाओगे, जैसे अपना इंडिया में है इधर चल रहे, दुबई चल रहे, मेला चल रहे, यहाँ आज ईद है, आज वो है, भूल जाओ शौकीनी क्या होता है, डीजे क्या होता है, खाना पीना बस सोना, तीन ही चीज़ आपको अच्छा लगे, तीन ही चीज़, और कोई आजू बाजू में दोस्त फ्रेंड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बस रूम में परे रहो, परे रहो। यहाँ एक नए में आएंगे तो आपको लगेगा कैदी आ गए, जेल में आ गए, और उसके बाद 4 महीने 6 महीने के बाद अब नहीं तो इधर दिखा देते ना, देख सकते हैं दोस्तों, कोई कहीं नहीं आपको मिलेगा, कोई फ्रेंड नहीं, कोई दोस्त है, कार है यहाँ पर, देखिए लाइन सब, कहीं भी जाएंगे आपको दिखाई दे, रोड पर आप जाओगे तो रोड पर आपको जो है ना गाड़ी मोटरसाइकिल सब मिलेगा, कार है ज़्यादा नहीं मिलेगा, खाली जहाँ पे जाएंगे ये ऐसे ऐसे कार मिलेगा, वो देखिए कार सब जितना भी देख रहे हैं, हर एक घर है आजू बाजू में, जितना भी देख रहे हैं घर है, ठीक है ना, पैसे वाले लोगों का, और यहाँ पे दोस्तों ये गाड़ी सब जो देख रहे हैं सब में एक एक ड्राइवर होता है का, कोई श्रीलंका, कोई बांग्लादेश, कोई
सूडान, कोई यमनी, कोई फिलिपिनी, ठीक है, वहाँ वहाँ का, ये नहीं है कि खाली इंडिया का ड्राइवर है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं है, है कि नहीं? जिनको पैसा कमाना है आ सकते हैं, कि सऊदी में उतना रह कर नहीं गया है, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपको जॉब, अगर मान लीजिए 1,000 आपको सैलरी दे रहा है, मतलब इंडिया का 20,000, कहीं गाड़ी ठोक दिए तो कितना होता है, तो पैसा काट भी लेता है कार, और फाइन भी ना गया, जैसे कि बहुत कैमरा आ गया, वो सब थोड़ा जो है, हाँ, तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो है आना चाहते हैं तो वहाँ से ट्रेन होकर के ही आओ, आपका स्टेडियम में, क्योंकि हर जगह कैमरा हो गया ना। हाँ, मैं ये बोलूँगा ना कि अगर देखिए, अगर 20,000 कमाने के लक्ष्य में रहें, ये सोच लेके हमको कमाना है तो अपने नियम, और जो यहाँ पे खटके गए हैं, जिसके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है, उसको कितने में आना चाहिए हो? उनको 18,000-2,000 रियाल मिलेगा। मतलब इंडिया का कितना मिलना चाहिए फिर भी? जोड़ लीजिए ना, 18 का कितना होता है इंडिया का? 20,000 का 18 का 36,000 तक पकड़ लिए, 30-36, उसमें से 30,000 बचाएगा, कोई फायदा नहीं। हम तो यही बोलेंगे अपना बिजनेस बस, मैं इसीलिए आऊँगा। आओ, लेकिन अपना 1-2 लाख रुपया जमा कर लो, अपना बिजनेस खोल के सेटल हो जाओ गाँव में, यही कहीं। नौकरी कब तक करेंगे किसी के? सही बात है, जल्दी जल्दी थोड़ा बताइए भाई लोग, कब तक करेंगे अपना बिजनेस अपना? मैं खुद आया हूँ अपनी खुद की कार लेके ओला में चलाने, ओला में मिल रहा। अच्छा, कहीं साफ करके दिखाइए दोस्तों लोग को, जल्दी जल्दी थोड़ा, बस ये देखिए दोस्तों कैसे साफ करते हैं, कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि ये कैसे पकड़ घुमा देने का, नहीं करेंगे तो क्या चिल्लाता है क्या? नहीं, बाकी अच्छा लगता है ना, हम बैठे रहते हैं, उसे अच्छा कुछ कर लो, चलो अभी देखिए काम इतना कर दे, मेरे को एनर्जी मिल गया, मतलब मेरे को डे में फुर्ती हो गया, नहीं तो ऐसे शोरूम में बैठे बैठे अजीब सा लगता है, सही है, आलसीपन हो जाता है यहाँ, यही बात बोल, यहाँ नहीं, यहाँ पे ना शिकवार हो जाता है, मैदा की रोटी खा के और ये चिकन चावल खा के ना आदमी भैंस हो जाता है, बस और कुछ काम नहीं होगा, काम ही नहीं है यहाँ पे, थोड़ी अपना इधर का जैसा है, अरे 24 घंटे एसी में रहना, और सोचिए तो, और ये आप काम कर रहे हैं ये मतलब आपको फुर्ती के लिए, ये नहीं है कि आपका बिल कहता है कि जल्द करो साफ करो, ये सब ऐसा नहीं है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से गाड़ी कुछ होता है क्या? वही ना, गाड़ी धो रहा हूँ, गाड़ी को चलाते, तो ये गाड़ी आप चलाते हैं यानी कि? ये नहीं, मेरा कपिल कभी कल चलाता हूँ, वो मेरी कार है, आप ये चलाते हैं व्हाइट वाला? कैसे साफ रखा हूँ, देखिए गाड़ी, देखिए मैं, देखिए साफ करके रखा, गंदी हो तो भी देखिए कितना चमक रही है, ये गाड़ी चलाता है, मैडम को कहीं जाना हुआ तो लेके जाता है, और इसका कपिल, इसका कपिल ये गाड़ी चलाता है ना, मैं घर के जैसा लगता है, मेरे को जॉब पता ही नहीं चल, मैं इंडिया छोड़ के सऊदी में आया, अच्छा, फैमिली जैसा मिलता सपोर्ट जी, जैसा मानता है। तो चलिए दोस्तों लोग को यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही करें कि आप आए तो अपने को, आने से पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी जानकारी चाहिए तो, बस आपसे यही राय करेंगे कि सऊदी के बारे में कुछ जानना है तो हमारा चैनल जाके देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में लिखिए कि क्या आपको सऊदी के न्यूज़ जानना है, उसके बारे में हम बताएंगे, देखिए हम जो ड्राइविंग कर हम वही बतलाते, रियल हम कोई गलत बात नहीं बताते। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अपडेट बताएंगे, तो ठीक है।